So good morning guys, welcome to our vlogs, welcome to Pancho vlogs, bus vlogs. आज जैसे मैंने कल रात को बोला था ना कि हमारे हॉस्पिटल में एक बच्चे का डेथ हो गया था, एग्जाम से आ गया था, वो तो चलो अलग सा वीडियो में अलग सा न्यूज था, इस वीडियो का न्यूज बता रहा हूँ मैं. रात को हमारे बैच का कोई लड़की कोई वॉर्ड में ड्यूटी कर रहा है और उसका बैग, पर्सनल बैग, कोई पेशेंट चाहे पेशेंट का अटेंडर, आई एम नॉट क्लियर, पेशेंट चाहे उसका अटेंडर, उसका बैग सेकंड से लेके चला गया फिफ्थ फ्लोर पे, जबकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक बन ही रहा है, बना नहीं प्रॉपर, वो ऑलमोस्ट डन है, काम नहीं जब तक प्रॉपर नहीं बना है वो ऊपर का फ्लोर. सो उसका बैग लेके सेकंड फ्लोर से भग के लेके चला गया फिफ्थ फ्लोर पे. अब लड़की परेशान है, अब लड़की खोज रही है बैग बैग बैग, मिल ही नहीं रहा उसको. फिर जाके सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहा, फिर पता चला वो आदमी जो अटेंडर था, पता नहीं कोई पेशेंट था, वो बैग लेके उसको चोरी करके बैग चला गया ऊपर फिफ्थ फ्लोर पे. जब जगह पकड़ा फिर जगह बैग वापस मिला. और ये सेम इंसिडेंट हुआ था अभी हफ्ते भर पहले, पता नहीं डेढ़ हफ्ते पहले, डेढ़ दो हफ्ते पहले सेम ऐसा हुआ था. घर एक बोर्ड पे जाकर पेशेंट चाहिए था, पता नहीं कौन अटेंडर था, सामान वगैरह चोरी कर रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है, जो सीसीटीवी कैमरा लग रखा है, इतना प्राइवेसी है फिर भी इतना चोरी चकारी हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, लिटरली कुछ भी हो रहा है भाई. और मैं इस पे शौक नहीं हो रहा कि कैसे हो रहा नहीं हो रहा, हो सकता है दुनिया ऐसे खराब है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है. आज का मॉर्निंग सब कुछ ठीक रहा, लाइक मैं 6 बजे सुबह उठा, मैं वार्ड में गया, 6 बजे वार्ड में जाकर देख रहा हूँ कि अभी तक ब्रदर सो ही रहा, मैं उसको उठने का वेट करूंगा तो फिर मेरा लेट हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या, ये तो खुद से अटेंडेंस लेगा और फिर चला जाएंगे इसके, तो इसको पैसा भी मिलता है उस चीज का, उसको तो कोई टेंशन नहीं है. टेंशन मेरे को अगर ज्यादा लेट होगा मेडिकेशन वगैरह, मतलब लेट मैं आऊंगा, अटेंडेंस मेरा लगेगा, एबसेंट सब मेरा होगा. मैं गया, सब लाइट वेट बन रहा वार्ड का, ब्रदर सो ही रहा, मैं गया फटाफट ट्रे लिया अपना, मेडिकेशन मैंने स्टार्ट कर दिया, टाइम रहते मेडिकेशन खत्म करा अपना, लाइक 7:40 के अंदर पूरा मेडिकेशन खत्म कर दिया. सुगर टेस्ट 3 था, 3 करा, 2 कैनुला करा मैंने खुद से ही, मैंने खुद से बिना ब्रदर के सपोर्ट लिए, बिना कुछ करे मैंने खुद होल्ड करा, एक ही यहाँ से होल्ड करा, ऐसा नहीं कि मैंने किसी को बुला के होल्ड करवाया, एक ही यहाँ से होल्ड करा, कैनुला पुट करा और एंटीबायोटिक दिया, मतलब जितना भी कुछ होता है ना उसके बाद सब मैंने खुद से करा, ऐसा नहीं कि मैं सियाणा बनता था, ऐसा नहीं, मुझे पता था कि मैं कर दूंगा, लाइक मुझे सीखना भी था ऑब्वियसली. तो ब्रदर को भी पता है कि लौंडा सीखेगा 6 महीने बाद जाएगा लड़का खुद स्टाफ नर्स बनने वाला, उसमें सामने खुद बोल रखा है कि कोई भी चीज करने से रिस्क जब ले रहा है ना, तो ऐसा डरा मत करो रिस्क लेने से, 6 महीने बाद खुद ब्रदर बनने वाला है ना, तो जो भी आ रहा है काम फटाफट जाके खुद से कर ले, मैं हूँ खराब है, कुछ गलत होगा तो मैं इधर खड़ा हूँ, उससे भी थोड़ा कुछ मिलता है बूस्ट की, चल ठीक है बैकग्राउंड में कोई तो खड़ा है ऐसे बोलने वाला, ऐसे करने वाला. सो इस वो काम फटाफट करा, लिफ्ट आया, रूम में आया हूँ अभी, और ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया ऑलरेडी, और ब्रेकफास्ट इतना खत्म हो गया ना मेरा, लाइक मैं दलिया खाता हूँ ना, दलिया खत्म है, और जितना दलिया मेरे को नीड होता है मॉर्निंग में, जितना मैं खाता हूँ एक्चुअली मॉर्निंग में, उसका आधा भी नहीं है अभी, तो लाइक खत्म है, जितना भी है उतना बना लिया मैंने, खा लूंगा थोड़ा सा मैनेज करके, बाकी आज ऑर्डर कर लेंगे. और ये दलिया हो जाए ना ऑर्डर करने में मिलता है, लाइक दुकान जाता हूँ खरीदने के लिए, दुकान में मिलते ही नहीं है, लाइक मिलते ही नहीं है, सो मेरे को ऑर्डर पे लेना पड़ता है ये, तो मैं ऑर्डर करूंगा अभी, देखता हूँ पहले इसको खा लेते हैं, अभी तक फ्रेश हुआ नहीं मैं एक्चुअली, सब्जी गर्म कर रहा था, दूध गर्म करा, खाना वाना बनाया, चिंटू अभी तक सो ही रहा, उसको कोई आइडिया नहीं, मैं रूम में ऑलरेडी आ चुका हूँ, एक्स्ट्रा की होता है ना मेरे पास, तो एक्स्ट्रा की से मैं खोलता हूँ, आता जाता करता हूँ, उसको पता भी नहीं चलता है. मैं भी जा रहा हूँ फालतू में डिस्टर्ब क्यों होगा, वो दिक्कत तो मेरा है, लाइक मैं सुबह जा रहा हूँ रात को जा रहा हूँ ऐसा करके, तो अभी तक वो सो ही रहा है, मैं सब्जी वब्जी गर्म कर रहा हूँ अपना, ब्रेकफास्ट रेडी कर अभी जाऊंगा फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होकर फिर आराम से खाते हैं, फ्रेश हो गया ब्रेकफास्ट ऑलरेडी ठंडा, और वो फटाफट खाते हैं अभी. और जब मैं ड्यूटी कर रहा था ना, लाइक अभी जब मॉर्निंग कर रहा था, जब नाइट भी कर रहा था आज ही और कल रात को ही, सो वर्ड का तो सिस्टर है ना जो इंचार्ज भी है, और रात का एनएस भी सिस्टर ही वही है, तो खुद का वर्ड में हमेशा बैठी रहती है वो, मैंने बोला गलत है लेकिन बैठी रहती है वो, रात को चाय मंगाया, रात को चाय पिला दिया जबरदस्ती, सवेरे चाय मंगाया, और ऐसा नहीं कि चाय मंगाती है तो एक्स्ट्रा होता तो पिलाते नहीं, वो मंगाता ही एक्स्ट्रा मेरे लिए, लाइक एक ब्रदर है, एक मैं हूँ, एक सिस्टर वो खुद है, सो चाय मंगाते 3 बंदे के लिए, वो 3 में सर्व होता है, एक मेरे लिए सर्व होता है, मैं कितना भी मना कर लूं, मैं ऐसा चाय पीता नहीं हूं, मैं कितना भी मना कर लूं ना मेरे को पिला के रहता है, रात को मेरे को जबरदस्ती पिला दिया, सवेरे जबरदस्ती पिला दिया, और चलो ठीक है रात को जबरदस्ती पिलाया, तो ठीक है रात को मैं फ्री था तो चल ठीक है भाई, ड्यूटी कर रहा हूँ, बुला के मेरे को, लाइक मैं दे रहा हूँ मेडिकेशन, मेरे को बुला के चाय पिलाया, मैंने चाय पिया, किसी किसी का हैबिट होता है ना कि सुबह चाय पीने के बाद ही उसका फ्रेश बाहर आता, लाइक चाय पीने के बाद ही वो वॉशरूम जाते हैं, कोई कॉफी पीने के बाद वॉशरूम जाते हैं, जिसका हैबिट होता है, बीड़ी पीते हुए जाते हैं, कोई सिगरेट पीते हुए जाते हैं, मैंने बोला मेरा ये सब हैबिट है, मेरा कुछ हैबिट नहीं है एक्चुअली, मेरा एक नॉर्मल सा सुबह उठ के पानी पिया फिर वॉशरूम जाता हूं, ऐसा वाला हैबिट है मेरा. मेरे को जब सुबह चाय पिला दिया ना, उसके 5 मिनट बाद जो मैं अंदर से कैसे बताऊं, मेरे को इतना आ रहा ना अंदर फटाफट वॉशरूम जाऊँ एक बार करके, मैं इतना अंदर से आ रहा मेरे, वो बहुत हद तक मैंने अपना रोका, अटेंडेंस दिया, भग के रूम आया, जब जाकर लगा भाई अब शांत है भाई, चाय पीने के बाद जो चढ़ाना मेरे ऊपर, लाइक मैं क्या ही बताऊं जो क्या बीत रहा था मेरे ऊपर. सो रूम में आया था फिर तो वो काम वाम करा, और सिस्टर एक्चुअली अच्छी है, वार्ड की सिस्टर ना एक्चुअली अच्छी है, एनएसबी रात का तो वो अच्छी है, लाइक जब रात आती है ना वार्ड वगैरह में तो अपने साथ ड्राई फ्रूट कैरी करती है, ड्राई फ्रूट बहुत सारा ड्राई फ्रूट मिक्स होता है, लाइक बहुत सारा मिक्स होता है, तो जब खाती है ना तो मेरे को देती है, लाइक ऐसा होता ना कि
बीच में रखा है, तू भी खा मैं भी खाता हूँ। मैंने पहला दिन सिर्फ परसों नाइट को मेरे को दे रही थी, मैं थोड़ा सा लिया, बोला कि थे थोड़ा सा और भी ले, लाइक तो ऐसा बोल रहे कि मैं खा रहा हूँ तू भी खा, लाइक शेयर करके खा रहा है, ऐसा वाला सीन है। सो ठीक है, फिलहाल देखता हूँ नेक्स्ट कौन सा मिलता है अवार्ड। अभी तो फिर भी दो दिन बाकी है, कल फ्राइडे, लाइक आज ही फ्राइडे हो, सॉरी आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, देखते हो कौन सा अवार्ड मिलता है। आई होप कि एक अच्छा सा अवार्ड मिले, जहाँ पे ड्यूटी करने मजा आए, जैसे मेरे को अभी मजा आ रहा है, एक अच्छा सा अवार्ड, एक अच्छा सा ब्रदर, एक अच्छा सा सिस्टर मिलते हैं ना, मजाक से हट के नाइट चाहे तो महीने भर करा लो, मजा आता है करने में। मैं पिछले कितने अभी लास्ट वीक करा 3 दिन नेट और इस वीक का भी 4 दिन नेट कर लिया, 7 दिन मेरा ऑलरेडी नेट खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को मजा आ रहा है, लाइक क्योंकि ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसा इन्वायरमेंट बन जाएगा ना आसपास, वो लिटरली मजा आ रहा है। सो डिपेंड करता है कि वर्ड कौन सा मिला है, ब्रदर सिस्टर कैसे हैं, बिहेव कैसे कर रहा है, ये सब बहुत डिपेंड करता है। सो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा मिलता है, आई होप कि बढ़िया से मिले, जहाँ में मजा आ जाए करके। फिलहाल जाते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट खाते हैं और फिर सो जाऊंगा भाई नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ ऑब्वियसली, रात को ड्यूटी दिन में सोना है। तो जाते बटे फटाफट खाते और फिर मिलते आगे, पेट भरा नहीं बट फिलहाल के लिए ठीक है इतना, बाद में देखते हैं सो उठेंगे या तो सोने से पहले भूख लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर एकदम से लंच कर लेंगे थोड़ा जल्दी अगर ज्यादा ऐसा सीन होगा तो, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट जो है ना केला भी दो ही बचा है, जिम जाने से पहले दो खाना पड़ेगा मेरे को, अब भी खा लो फिर जिम जाने से पहले वही है फालतू का, ऐसे खाली पेट निकलना पड़ेगा। सो जिससे ब्रेकफास्ट बना था वो भी खत्म हो रखा है, देखता हूँ एकदम से लंच थोड़ा जल्दी कर लूंगा, सब्जी बना पड़ा बस चाल बनाने की देरी है। फिलहाल सोते हैं भाई, दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा सोते हैं अभी, सोचा सारा काम हो गया अब आराम से सोऊंगा, बट पीने का पानी बिल्कुल खत्म है, इतना खत्म है कि शाम तक सर्वाइव नहीं कर सकते, मुझे लगा सर शाम को ले आऊंगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं शाम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो जा रहा हूँ अभी पानी लाने के लिए, पानी ले आएगा फिर सोऊंगा आराम से, ले चलो बोतल वोतल और पूरा भी लगे हाथ, पूरा लगे हाथ पूरा फेंक देंगे बाहर में, तुम तो भी पूरा और लगे हाथ इसको भी बाहर फेंक देना है, कूड़ा रूम में रख के इसको बाहर फेंकना लगे हाथ ही साले कूड़े हट कूड़े कूड़े भी फेंक दूंगा लगे हाथ और पानी भी ले आऊंगा, मतलब नींद अभी आँख में चढ़ गया एक्चुअली, पता है मैं सो रहा था ऑलमोस्ट, फिर देखा पानी बिल्कुल नहीं है, मतलब 1% भी पानी नहीं है पीने का। सो पहले पानी लाते हैं, कूड़ा वूडा बदल कर फेंक खा देंगे, फिर सोने के बाद आराम से सोचते हैं। ले जुलू ले बोतल उठा, मैं जो सोया उसके बाद सीधा उठा अभी 1:30 बजे के आसपास, मैं उठा नहीं मेरे को उठाया गया एक्चुअली, मैं मेरे को उठा के बैठा दिया गया तो ऑब्वियसली नींद तो खुली जाएगा, खाना वाना खाऊंगा लंच करते हैं अच्छे से, फिर पार्टनर को छोड़ करना पड़ेगा आफ्टरनून शिफ्ट के लिए, उसके बाद देखते हैं सोने का मन करेगा तो सोऊंगा, नींद में निकल फिर नहीं सोऊंगा, पार्क में सोचा जाएगा। फिलहाल जाते हैं लंच वन करते हैं अच्छे से और फिर पार्टनर को छोड़ कर आते हैं फिर आफ्टरनून शिफ्ट के लिए। पैर हट मेरे हट, ठड़की एक नंबर का सकल देख पीने वाला मेरा वीडियो होना देख देख तू माफ करा मेरे को, पार्टनर को ड्यूटी छोड़ने गया था, जब पार्टनर को ड्यूटी छोड़ने गया था उसको मैंने एक्चुअली टाइम पे छोड़ा, ऐसा नहीं ज्यादा लेट पे छोड़ा हूँ, ज्यादा टाइम पे छोड़ा हूँ मैंने, वही नाटक अटेंडेंस देने से मना कर रहा पता नहीं क्यों, लेकिन बाद में अटेंडेंस दे दिया, लेकिन नाटक तो कर रहा था देने से पहले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोग को स्टूडेंट चाहिए भी और अटेंडेंस देना भी नहीं है, और एट द एंड सब अटेंडेंस ही काउंट होता है, अटेंडेंस मेन होता है ऑब्वियसली भाई, पता नहीं क्या बकचोदी पेलता रहता, लेकिन मिला अटेंडेंस बाद में, ज्यादा बकचोदी नहीं करूंगा फिर बात पे लेके कि सीन क्या है, मिल गया चल ठीक है, नहीं मिलता तो फिर ज्यादा सीन बन जाता है इस चीज का। सो फिलहाल रूम में आया हूँ अभी, अभी जिम जाने का टाइम भी इसे हुआ नहीं है, थोड़ा सा फोन में चार्ज करना है और थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा लेटूंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा फिर निकलेंगे शाम को आराम से जिम। ए चोर ओए ए चोर लौंडा खाना की चोरी कर रहा किचन में आके, ये लग रहा हूं तू धोया इसको क्या, वाह वाह बिना मेरे बोले इसने बर्तन धोके क्लीन कर रखा है लौंडे, ये होता है सवासी दे रहा, सवासी भी लेने जा रहा है इससे मैं सोने जा रहा था, लोग एंड करा लास्ट क्लिप में ना, मैं सोने जा रहा था देख रहा हूँ किचन से ताला आ रहा है कुछ खुरखुर खुरखुर करके, अगर देख रहा हूँ ये दानव किचन में है सावास जिम निकलते हैं अभी, मैंने बहुत टाइम पहले एक्चुअली डेट ले लिया था और वेट करते जिम निकलने का, उस टाइम सूट निकल रहा क्योंकि मेरे फोन में चार्ज था नहीं एक्चुअली, सो उस टाइम सूट निकल पाई कुछ भी, सो अभी ये मेरे को पिछले आधे घंटे से परेशान कर रहा है जिम जाने के लिए, बस मैं बोले रुक गया भाई टाइम होते फिर आराम से निकलते, फालतू में चल रहा है आधे घंटे से, फिलहाल जिम जाते हैं, कॉफी खत्म हो रखा है, कॉफी लिया निकल भूल गया था केला लेना पड़ेगा बाहर जाएगा तो जिम के बाद ले लूंगा मैं, फिलहाल जिम निकलते आराम से, देख तो नाम आपको फ्री हो गया, अब एकदम से रेडी होंगे ड्यूटी जाने के लिए, एकदम से पार्टनर को लाने का टेंशन भी नहीं है, सो एकदम से रेडी होंगे ड्यूटी जाने, ये पहनो थोड़ा ठंड लग रहा है इसीलिए आज ड्यूटी करने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा, क्या करूँ मैं, थोड़ा सा ऐसा है कि सिस्टर
हमारे वार्ड का इंचार्ज है, वो फिर रात का एनएसयू हुई है, तो मेरे को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं एनएसयू का भग भी जाऊंगा तो बच जाऊंगा, नहीं मेरे को डर लगेगा, ऊपर से मेरे को जानती भी है ना सिस्टर, तो मैं पकड़ा जाऊंगा अगर मैं भग भी गया तो फिलहाल निकल तो बिना मूड लेके ड्यूटी करने के लिए। कल मैं तो परफ्यूम मारना भूल गया, जब मैं जा रहा था ना ड्यूटी पे इसी टाइम पे, जब मैं परफ्यूम मारना भूल गया था, मैं बिना परफ्यूम मारे ड्यूटी पे जा रहा था, फिर मेरे को याद है रास्ते में, फिर मैं रास्ते में घूम कर परफ्यूम मारकर फिर वापस ड्यूटी पे गया, क्योंकि मेरे को परफ्यूम थोड़ा ज्यादा पसंद है, मैं परफ्यूम थोड़ा ज्यादा मारता हूं एक्चुअली, तो मैं रास्ते से आया था सिर्फ परफ्यूम मारने के लिए। सो फिलहाल निकलता हूं ड्यूटी पे भी, आई होप कि नहीं एक्चुअली मेरा वर्ड अच्छा रहता है, मैं होप वो कुछ भी बोलूंगा नहीं, मेरा एक्चुअली ड्यूटी अच्छा जा रहा है नाइट का, सो सही लग रहा है एक तरह से, इसलिए मैं जा भी पा रहा हूँ बिना मूड का भी, क्योंकि सही जा रहा है बेसिकली सब कुछ। सो फिलहाल निकलते हैं और बाकी अपडेट करता हूँ बाद में क्या सीन हुआ वर्ड मैं नहीं हुआ। सो अभी 11 बजा भी नहीं, लेकिन 11 बजे ओवर हो गया, मैं रूम में आके बहुत जल्दी आ गया, मुझे कोई ड्यूटी करने का मन था नहीं, सारा काम खत्म किया, बहुत जल्दी रूम में आ गया और खाने से तंदूरी ऑर्डर कराऊ बाहर से, वो आएगा तो आराम से खाना खाते हैं और कल सवेरे फिर वही 6 बजे उठना है। मैं जब ड्यूटी पे था मैंने एक इंसिडेंट सुना लाइक ऐसा, जो मेरे को सुना थोड़ा सा खराब भी लग रहा है और थोड़ा सा होता ना फ्यूचर अगर सोचो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा सोच के। हमारे बगल में एक्चुअली इस गली में, इस वाले गली में ना हमारे कॉलेज के जूनियर लोग रहता है, लड़का लोग रहता है जूनियर लोग, तो वो लोग कुछ हरकतें कर रहा था आपस में, कुछ वो लोग हरकत कर रहा था सब, उनको लोकल लोग कर लिया और थप्पड़ पर मारा उनके, फालतू में सीन चल गया वहीं पे उनका, पता नहीं क्या करा लेकिन हमें एक्यूरेट रीजन नहीं पता, लेकिन कुछ तो सीन करा लो, तो वो लोग थप्पड़ पर खाया लोकल लोग से, तो फिर वो लोगों सब कुछ सामान वाला सही कर दिया मारा मार के। ये भी अजीब लग रहा सुन के कि फालतू वैसा हरकत कर रहा है ना, दिक्कत फिर हमें बाद में हो जाए लाइक ऐसे घूम रहे मतलब अपने पार्टनर सब गली वली घूम रहे मान ले, पता नहीं यहाँ के लोग देखते उसी वजह हमारे को, तो उसके वजह से कहीं ऐसा ना कि हमारे कुछ अलग वजह देखना स्टार्ट करते हैं वो लोग, तो वो तो बाद वाली बात है, फिलहाल सब कुछ ठीक है, तो मैं रूम आया हूँ आराम से खाना वाना खाते हैं, 6 बजे सुबह उठेंगे, विल सी यू इन द नेक्स्ट फ्लोर, टाटा बाय बाय टेक केयर।